3 अप्रैल की सुबह ताइवान में एक तेज भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई। अभी तक 4 लोगों की मौत की इसमें खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के बाद ताइवान, जापान और फिलीपींस ने सुनामी का अलर्ट जारी किया था। जापान के मौसम विभाग ने समुद्र से 3 मीटर यानी करीब 10 फीट तक की लहरें उठने का अनुमान जताया था। हालांकि जापान और फिलीपींस ने अब ये सुनामी अलर्ट हटा लिया है। ये पिछले 25 सालों में ताइवान में आया सबसे ताकतवर भूकंप बताया जा रहा है। इससे पहले साल 1999 में देश के नानटो काउंटी में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था। तब 2500 से ज़्यादा लोगों की इसमें जान गई थी और 1300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे के मुताबिक ताइवान के हुलियन शहर से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण में भूकंप का केंद्र है। हुलियन शहर में कई इमारतें ढह गई हैं, कुछ बहुत खतरनाक एंगल्स पर झुकी हुई दिखाई दे रही हैं। भूकंप के झटके पूरे ताइवान में ही महसूस किए गए, दक्षिणी पिंगटोंग काउंटी से लेकर राजधानी ताइपे के उत्तर में भी। राजधानी से आई वीडियोस में इमारतें जोर जोर से हिलती हुई, अलमारियों से चीज़ें गिरती हुई, फर्नीचर कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकल टीवी चैनल्स के मुताबिक भूकंप की वजह से गाड़ियां टूट गई हैं, दुकानों के अंदर सामान भी अस्त व्यस्त हो गया, पूरे देश में बिजली और इंटरनेट कटने की भी खबर है। राजधानी में मेट्रो कुछ समय के लिए बंद की गई थी, लेकिन घंटे भर में फिर से शुरू हो गई। नागरिकों को सुनामी की चेतावनी भी दी गई और ये भी कि घर में गैस रिसाव की जांच करें कि झटकों की वजह से कहीं लीक तो नहीं हो रहा। ताइवान के अंदरूनी पहाड़ी इलाकों से भी कुछ वीडियोस से पता चलता है कि भूकंप से भारी भूस्खलन हुआ है, वहाँ नुकसान कितना हुआ है ये फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। चीनी राज्य मीडिया ने जानकारी दी कि चीन के दक्षिण पूर्वी फुजियान प्रांत के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन में ताइवान मामलों पर नज़र रखने वाले ऑफिस ने कहा कि वो भूकंप से हुए नुकसान से चिंतित हैं और ताइवान में मदद भेजने को तैयार हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान अपने आप को स्वतंत्र कहता है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी सोम शेखर। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल टॉप। शुक्रिया।